गाइस मैं आज आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ सिक्किम के बारे में, जो शायद ही आपको मालूम होगा। जो रिसेंट इलेक्शन हो चुका है सिक्किम में, 2019 अप्रैल में अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ था जो पिछली बार, तो उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी थी उसका जो लीडर थे मिस्टर पवन चामलिंग जी, उन्होंने क्या किया था कि 25 ईयर्स उनके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे सिक्किम में एज अ सीएम, तो बाकी के और आगे के 5 साल विन करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जनवरी 2019 में स्टार्टिंग में उन्होंने एक स्कीम लाई थी, मतलब वोट को लेने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम भी जीतने के लिए उन्होंने क्या दिया था कि एक स्कीम लाए थे वो, कि वन फैमिली वन जॉब एक स्कीम था जिसमें एक परिवार एक नौकरी जो वो देने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था जब ये स्कीम लाए थे, तो क्या हुआ था कि अप्रैल तक उन्होंने कम से कम 20,000 पीपल को, लोगों को, उन लोगों को नौकरी दी थी जिन लोगों के घर पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था, या जिन लोगों के घर पे लोग थे जो जिनके पास प्रॉपर डिग्री, जिस हिसाब से जिसके पास एजुकेशन था, डिग्री था, उस हिसाब से उनको जॉब मिल रहा था। तो सोचिए ये कितनी अच्छी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट एक इनिशिएशन ले रही है कि वो एक परिवार में एक बंदे को जॉब दे रही है, वो भी उसके डेजिग्नेशन, उसके सॉरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। तो आप ये भी एक चीज़ किया था। फिर उसके बाद फिर भी उन्होंने ये चीज़ करने के बाद भी उन्होंने लगभग 20,000 एम्प्लॉयज़ भी लगाए थे उस टाइम पर, उन जॉब दिया था। तो और हाईएस्ट पेमेंट जो सैलरी दी थी उन्होंने वो एक जूनियर इंजीनियर की थी, वो अराउंड 80,000 थी, और लोअर ग्रेड और वो भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब तब परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएगा जब 4-5 साल के लिए वो जॉब करेगा, तब तक वो टेम्परेरी रहेगा, 4-5 साल जॉब करने के बाद वो एम्प्लॉय परमानेंट बन जाएगा। तो उन्होंने अराउंड 20,000 लोगों को यहाँ पे जॉब दी थी उस टाइम पे, लगभग अप्रैल 2019 तक। फिर उसके बाद फिर भी वो हार गए, उसके बाद भी फिर अभी जो रिसेंट बने हैं पीएस गोले जी, मिस्टर पीएस गोले सर, तो वो भी अभी उन्होंने भी अभी इसी स्कीम को आगे बढ़ाया, और उन्होंने भी कम अराउंड 20,000 नहीं तो 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो आप सोचिए ये कितना अच्छा इनिशिएशन है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि बिना किसी एग्ज़ाम के किसी को मतलब कि किसी को जॉब देना वो भी अच्छा इनिशिएशन था। तो आप बताइए कि अगर आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके स्टेट में भी ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर आइए, और भी वीडियोज़ देखिए। मैं सिक्किम